लोगों को उनकी दिव्यता का अनुभव कराने और उसे व्यक्त करने में उनकी मदद करने में व्यतीत हो रहा है। मेरी कामना है कि कम से कम एक बूंद अध्यात्म की हर मानव के अंदर डाल सकूं। सोचकर ताज्जुब होता है कि ये आध्यात्मिक और अलौकिक वाक्य उस विभूति के हैं जिसका धर्म और अध्यात्म के अलावा सभी सांसारिक मूल्यों से नाता था। पाश्चात्य रंग में रंगे इस युवा व्यवसायी का जीवन तपस्वी या संत जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन विधि लेखों में तो कुछ और ही लिखा था। अतः 23 सितंबर 1982 को मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर व्यवसायिक मीटिंग में तल्लीन था कि अचानक इस युवा को कुछ आत्मबोध सा हुआ और तत्काल ही वो सब कुछ त्याग कर बन गया सदा के लिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों भक्त घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, उसके दर्शन पाकर भाव विभल होकर रो पड़ते हैं। हमने केवल कहानियां सुनी थी संतों के बारे में कि भाई एक रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे, गौतम मुनि हुआ करते थे, और जब इनकी कहानियाँ मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मैं कितना अभागा हूँ कि मेरा जन्म इस कलयुग में हुआ है कि हम इन संतों के बारे में केवल कहानियाँ सुन सकते हैं। लेकिन जब मैं पहली बार सद्गुरु से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अभागा नहीं हूँ, कि मैं भी एक जीवित संत के साथ रह सकता हूँ, उनके दर्शन कर सकता हूँ। हम भी ऐसे ही महान संत के जीवन को नज़दीक से जानने और समझने के लिए आ पहुँचे तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में वेलियंगिरी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य नीलगिरी वनों से घिरे ईशा संस्कृति के संसार में। ईशा, ढाई अक्षर का ये शब्द अपने आप में अलौकिक संसार है जिसकी रचना सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव ने मानव की सेवा
और उसे परम पिता परमेश्वर के उस दिव्य स्वरूप से साक्षात्कार कराने के लिए की है। देखिए सद्गुरु की जो दिव्यता है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी कृपा है, उसे तो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है मानवता, कि कैसे एक मनुष्य के साथ रहा जाए, कैसे एक मनुष्य के प्रति पूरी तरह से सिंसियर रहा जाए। कि जब वो आपके साथ एक मनुष्य के रूप में हैं तो वो आपको ऐसी बातें नहीं बता रहे हैं जो किताबों में लिखी हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन ज़रा भी व्यवहारिक नहीं है। उनकी शिक्षा इतनी व्यवहारिक है कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन आपको जो समस्याएं आती हैं कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे उनसे एक बाहर की राह पकड़ी जाए। सबसे अलग सबसे जुदा ईशा फाउंडेशन अपने आप में सनातन धर्म का अलग सा एक ऐसा संसार है जहां देश विदेशों के हजारों श्रद्धालु अनूठे संत जग्गी वासुदेव जी के कृपा अंचल में ईश कृपा प्राप्त करते हैं। ईशा फाउंडेशन सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी। ये एक ऐसी लाभ रहित संस्था है जो मानव सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है। अतः यहां से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही दूसरे व्यक्ति को सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से सबल बनाने में जुट जाता है। इसीलिए ईशा अपने आप में एक सार्वभौमिक संप्रदाय के रूप में विकसित होकर जन सेवा कर रहा है। All four dimensions offered under one roof. This was the main objective of starting Isha Foundation. And that is the reason why one sees so many variety of things happening around here. हम जब ईशा के इस अद्वितीय संसार में घूम रहे थे तो हमारी नजर गई एक ओर जहां एक विशेष साधना चल रही थी। ये बड़ा ही अलौकिक व कौतूहल पैदा कर देने वाला दृश्य था। निर्देह स्थल पर चल रही इस विधि कर्म पूजा के दौरान हमें जानकारी मिली कि ये काल भैरव की कर्मकांड साधना है जो किसी भी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा ब्रह्मलीन आत्मा की शांति के लिए करवाई जाती है। हम बड़ी लंबी यात्रा के बाद यहां पहुंचे थे जो काफी रोचक होने के साथ थकान भरी भी थी। अतः हमने परिसर में स्थित ईशा कॉटेज की तरफ रुख किया और अगली भोर का इंतजार करने लगे। ईशा आश्रम की सुबह अपने आप में बड़ी सुहानी होती है। दक्षिण का कैलाश पर्वत कहे जाने वाली विलियंगारी पर्वत श्रृंखलाओं की प्राकृतिक सुरम्यता इसमें चार चांद लगाती है। नैसर्गिक सौंदर्य तो आप देख रहे हैं और इस तरह का सौंदर्य और जगह भी बहुत जगह है, आपने भी देखा होगा। लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे जो शक्ति है जो हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पे आकर, जो एक खुलापन अंदर से हम महसूस कर सकते हैं, ये इस जगह की बहुत ज़्यादा खासियत है मेरी हिसाब से। यहाँ पे जो ध्यान लिंगा है, सदगुरु है, सो इस तरह की जगह पर जो कॉन्सिक्रेटेड प्लेसेस हैं तो उस जगह पर रहने का अवसर मिलना और बड़े भाग्य की बात है मेरे हिसाब में। सुबह 5 बजे यहाँ की आध्यात्मिक दिनचर्या आरंभ हो जाती है। सर्वप्रथम गुरु वंदन किया जाता है। ओमकारा साधना हॉल में स्वामीगण उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का वंदन करते हैं। सद्गुरु नमामि।
उनका प्रेम, उनकी करुणा, और उनकी करुणा ऐसी नहीं है कि वो केवल आपसे अच्छे से बात करेंगे, मीठी मीठी कब बातें करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी वो आपको धक्का भी लगाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक चपत भी लगाएंगे। तो वो एक ऐसे गुरु हैं जो कोई भी रूप ले सकता है जो मेरी प्रगति के लिए ज़रूरी है। तो उनका खुद का व्यक्तित्व वो परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी है कि ऐसा नहीं कि नहीं भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो यही व्यक्तित्व है, मैं तो बस यही करूँगा, मैं तो बस यही नहीं करूँगा। परिस्थिति के लिए जो भी ज़रूरी है वो करने के लिए तैयार हैं। अपने आसपास के लोगों को उनके जीवन में एक अगला कदम बढ़ाने के लिए अगर उनसे उन्हें प्यार से बात करना है तो वो प्यार से बात करेंगे, अगर ज़रा कठोरता से बात करना है तो गुरु वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी करुणा, उनकी कृपा और उनके स्वभाव में एक जो एक रूपता का सबको साथ लेने का जो भाव है वो बहुत ही अनोखा है। गुरु वंदन के बाद अब समय है योग अभ्यास का, अतः संपूर्ण आश्रम योगमय हो जाता है। जिसको जहां सहूलियत हो वो वहीं अपना दैनिक योगाभ्यास करता है। जानकार स्वयं योग करते हैं और जो सीख रहे हैं वे अपने योगाचार्यों के निरीक्षण में योग करते हैं। The basic objective of the foundation has been to offer all dimensions of yoga in one place. When I say all dimensions of yoga, we do not see yoga as a simple exercise or as a means to health and well-being. There is nothing in human life we don't ascribe to a particular philosophy, a particular teaching or a particular kind of belief system. Offering yoga as a science of transformation, offering yoga as a science towards one's liberation is the basic objective of the foundation. जहाँ योगाभ्यास का ये स्वास्थ्यशाली प्रकल्प लगभग 6 से 6:30 बजे तक चलता है, वहीं दूसरी ओर माँ लिंग भैरवी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की चहल पहल शुरू हो जाती है। अतः हम भी बढ़ चले माँ आदिशक्ति के स्वरूप लिंग भैरवी मंदिर की ओर, जहां समय हो चला है माँ के दैनिक आरती वंदन का। महिला पुजारी विश्व में अनूठे और एकमात्र लिंग स्वरूप माँ शक्ति के इस दिव्य विग्रह का विशेष प्रकार की सामग्री द्वारा श्रृंगार कर रही हैं। अब प्रारंभ होती है माँ की मंगल आरती। सुख समृद्धि स्वरूपणी माँ लिंग भैरवी एक ज्वालामयी, शक्तिशाली और जीवंत देवी के अनोखे रूप में यहाँ विराजती हैं। हमें यह अभी पता चला है कि आज पूर्णिमा है और संध्या काल में यहाँ माँ लिंग भैरवी की विशेष सवारी निकाली जाती है, जिसमें माँ के दिव्य विग्रह को भगवान भोलेनाथ के जीवंत ध्यान लिंगम स्थान पर ले जाकर आराधना होती है। अतः हम भी आपके साथ सायंकाल में होने वाली इस विशेष साधना के साक्षी बनेंगे।
दिन निकलने के साथ साथ यहाँ विश्व के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की गहमा गहमी बढ़ जाती है। सदगुरु जग्गी वासुदेव महाराज द्वारा वर्षों की साधना और तपस्या के परिणाम स्वरूप बसा है ये ईशा संसार, जहां के कण कण को सदगुरु ने ईशमय बनाने के लिए उस प्रत्येक विधि को अपनाया है जो वेद पुराणों और सनातन धर्म का हिस्सा है। आने वाले श्रद्धालुओं को ईश संस्कृति के अनुसार विधिवत रूप से दर्शन, पूजन एवं आत्मध्यान कराया जाता है। I mean, when you come here, you usually come here because you're interested in doing something with yourself, in doing something with your life. That's different than what you did before. That's probably a deeper. Cultivate awareness, transform into a person basically reach your full potential as a human being. चलिए हम सब मिलकर सदगुरु जग्गी वासुदेव के इस ईश कृपाधाम ईशा फाउंडेशन के धार्मिक कल्पों का हिस्सा बने। लेकिन उसके लिए हमारे दर्शकों को अगले सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। अगले शनिवार को हम आपको दिखाएंगे पावन तीर्थ कुंड में अवस्थित ठोस पारद रस लिंगम के स्पर्श से पवित्र होकर कैसे करते हैं जीवंत ध्यान लिंगम की साधना। साथ ही नजर डालेंगे सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे शिक्षा, कला व मानव सेवा के विभिन्न प्रकल्पों और विशेष ईश साधनाओं पर। बने रहिए आस्था के साथ। इस शनिवार भोलेनाथ का जीवंत ध्यान लिंगम, आदि शक्ति का लिंग भैरवी स्वरूप, सबसे अलग सबसे जुदा सदगुरु जग्गी वासुदेव संत परंपरा भारतवर्ष की, शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ आस्था चैनल पर।